पुलिस टीम पर हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खनिया थाना के मायापुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम बनियानी में पुलिस टीम पर हमला करने वाले दो आरोपियों को मायापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम बनियानी गांव से सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत की जांच करने पहुंची थी। इस दौरान शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने पुलिस टीम पर लाठी कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया था। इस घटना में आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक व वाहन का चालक घायल हो गए थे, जिसके साथ ही वाहनों की भी ताबड़तोड़ कर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस घटना के बाद से ही लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, पर आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही थी। तब एसडीओपी पिछोर के मार्गदर्शन में तीन थानों की पुलिस की टीमें बनाई गई और आरोपियों की तलाश की और मुखबिर की सूचना पर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई तो दो आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। सर, पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 20 फरवरी 2024 को थाना मायापुर के ग्राम बनियानी में शासकीय कार्य करने गए पुलिस टीम पर एक परिवार के सभी व्यक्तियों ने एक राय होकर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें उनके विरुद्ध पुलिस थाना मायापुर में धारा 307 और अनुशासनजन्य धाराओं का अपराध पंजीकृत किया गया था। उसी तारतम्य में आज उन आरोपियों में से दो आरोपी आनंद पुत्र हरवान और सत्यन पुत्र हरवान को गिरफ्तार किया गया। सर, ये जो हमला हुआ उसमें पुलिस ने ये कितने दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार किया, ये आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये आज थाना मायापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उन्हीं के गांव बनियानी से, उनका एक सागौन वाला खेत है, वहां से उनको गिरफ्तार किया है और उनसे घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी और एक लाठी भी जब्त पुलिस ने की है। कितने आरोपी फरार हैं सर इसमें? इसमें तीन नामजद व तीनों चार अन्य आरोपी भी फरार हैं, जिनको पुलिस द्वारा शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।